78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय गठबंधन मंच द्वारा सारथी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां ध्वजारोहण कर आयोजक राम नरेश निषाद द्वारा ड्राइवर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसे देश भर से आए अलग अलग संगठन के लोगों द्वारा संबोधित किया गया। वहीं सारथी सम्मेलन के दौरान आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। राम नरेश जी, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य था इसका? और चूँकि आपने कई बातें रखी है, तो क्या आने वाले दिनों में जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है उससे ही आप लोग शुरुआत करने जा रहे हैं? जी, पहले तो मैं आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां पर आकर के हमारी बात सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने राष्ट्रीय गठबंधन मंच के कार्यालय में जो ये राष्ट्रीय सारथी सम्मेलन ड्राइवर महापंचायत बुलाई, इसमें कई प्रदेश के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें यूपी से, महाराष्ट्र से, बिहार से, हिमाचल से और दिल्ली के कई कई कोने से लोग आए, तो सभी का यहाँ पर हम धन्यवाद करते हैं। और बिल्कुल बेशक दिल्ली विधानसभा चुनाव की ये एक तरीके से तैयारी है। आगाज आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही आपने क्यों सोचा कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए? आज तो सभी लोग देशभक्ति भावना तमाम तरह की चीज़ें रखते हैं, आपने 15 अगस्त को ही क्यों चुना? 15 अगस्त को इसलिए चुना गया, जैसा आपने कहा सभी लोग देशभक्ति भावना रखते हैं, तो क्या हम लोग क्या देशप्रस्ती हैं क्या? हम लोग भी देशभक्त हैं भाई। आज जब दुनिया देश 15 अगस्त के अवसर पर कार्यक्रम कर सकती, तो क्या हम ड्राइवर लोग कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं क्या? हम भी ड्राइवर भी देश का अभिन्न हिस्सा है, समाज का अभिन्न अंग है। अगर ड्राइवर ना हो तो देश नहीं चलेगा, हम देश के आंतरिक सिपाही हैं। तो इसलिए हमने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ड्राइवर महापंचायत राष्ट्रीय सारथी सम्मेलन का आयोजन करा। इसमें कई सारे हमारे संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया, कई सारे हमारे लोकल यहाँ के लोगों ने हिस्सा लिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ से एक आवाज़ जो गूंजेगी वो पूरे देश में जाएगी। और इसका मैसेज खासतौर से, जो हमने आरक्षण की बात करी है ड्राइवर को, ड्राइवर के आरक्षण की बात आज तक किसी भी पार्टी ने, चाहे नेशनल लेवल की हो या राज्य स्तर की हो या मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त हो, किसी ने भी ड्राइवर के चुनाव के लिए आरक्षण की बात नहीं करी, लेकिन हमने करी है। और इसका सभी लोग, सभी पार्टियां समर्थन भी दे रही है। हमारे साथ स्वाभिमान पार्टी, हमारे साथ जनसेवा ड्राइवर पार्टी, हमारे साथ दिल्ली पार्टी, दिल्ली जनता पार्टी, कई पार्टियां भी हमारे साथ जुड़ी और हमारी बात और मुद्दों का समर्थन भी कर रही है। क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है आज आपके मीटिंग का, आप लोगों की चर्चा का? देखिए, निष्कर्ष एकता आ रही है हमारी। जो पहले क्या होता था कि अलग अलग तरीके से लोग काम करते थे, अलग अलग यूनियनों के माध्यम से काम करते थे, अलग अलग पार्टियों के माध्यम से काम करते थे, लेकिन अब एकता आ रही है। जो अच्छे लोग हैं समाज के बीच में, जो अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं, वो सारे मिल करके काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज यहाँ से सभी लोग शपथ लेंगे कि जो हमारी बातें जो हमने कही हैं उन पर हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर कार्य करेंगे और एकता के साथ हम आगे आने वाले दिनों में संघर्ष करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, जयप्रकाश भाई। जयप्रकाश जी, यहाँ पर एकत्रित हुए आप, आपने अपनी भी बातें रखी है। इनका जो मुहिम है राष्ट्रीय गठबंधन मंच, इस मुहिम को किस तरीके से देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अच्छी पहल है और 15 अगस्त के दिन हुआ, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अपनी आज़ादी की तड़प लेकर के हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आप कैसे नहीं आज़ाद हुए? देश आज़ाद हुआ, हम आज़ाद नहीं हुए। आज भी हम गुलामी ही में जी रहे हैं। हमसे केवल वोट ले लिया जाता है और हमारे प्रतिनिधि, प्रशासन मिल करके हमको, हमारा ही शोषण करते हैं और हमारी बातों का कहीं कोई वक्त नहीं रहता है, हमारे ऊपर ही जुल्म किया जाता है। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन ये जो समय चुना गया है, कम से कम हम अपने जज्बात को खुल कर पब्लिक के बीच में लेके आए हैं और कोशिश ये है कि इस गठबंधन को मजबूत करके एक बड़ी मुहिम चलाई जाए जो हिंदुस्तान में व्यवस्था परिवर्तन की बात करे। अवस्था परिवर्तन की बात नहीं, केवल व्यवस्था परिवर्तन ही इसका विकल्प है। क्या आपको लगता है ये मुहिम सफल हो पाएगी, जिस मुहिम को लेकर आप लोग चले हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय रखना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव भारत है, राष्ट्रीय मिशन हम सभी एक राष्ट्रीय संयोजक, और जो कि राष्ट्रीय गठबंधन मंच है, इसमें हम सहयोगी संगठन की भूमिका निभा रहे हैं।
राष्ट्रीय मिशन हम सब एक अपने आप में दो बातों को विशेष रूप से लेकर चल रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक हेतु, दो ही प्रकार की व्यवस्था समाज में स्थापित है, एक सामाजिक और एक राजनीतिक। और जिस दिन हमारे देश में जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, इसके बीच में अगर निष्पक्ष राजनीति और गैर राजनीतिक लोगों की सामूहिक व्यवस्था बन गई, तो उसी दिन से एक नए सूर्य का उदय होगा। और जो 78 वर्षों की आज़ादी, जैसे कि हम आज़ादी पे एक प्रश्न चिन्ह इसलिए कहते हैं क्योंकि 78 वर्षों में भारत देश में शायद ही कोई वर्ग बचा हो जो अपने न्याय के लिए सड़कों पर ना उतरा हो, तो ये कैसी आज़ादी माने। और दूसरा, हमारे देश की आज़ादी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो दिल्ली का जंतर मंतर है। अगर भारत देश आज़ाद है तो जंतर मंतर का नामो निशान नहीं होना चाहिए। आज भी भारत देश के कोने कोने से अनेक संगठन आते हैं और अपनी न्याय की मांग करते हैं। तो हमारा भारत देश अगर आज़ाद है, 78 वर्ष की अगर स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि भारत देश के जंतर मंतर पे कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए गिड़गिड़ा है। चीन बनाना चाहते हैं क्या भारत को? नहीं, चीन की बात नहीं है, चीन बनाना चाहते हैं। चीन कोई प्रदर्शन ना कर पाए, कोई सरकार के विरोध में बातें ना रखे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे देश में जो संविधान है और जो हमारे देश में राजनीतिक पार्टियाँ शपथ लेती है, वो भारत देश की एकता को लेकर लेती है। लेकिन भारत देश की एकता ज्वाइंट एंड रूल पॉलिसी पर आधारित है, लेकिन इसके विपरीत हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का खेल खेलती है। और दूसरी बात यह आ जाती है, जो सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, भारत देश की राजनीतिक पार्टियों के झगड़ों को ये देश भुगत रहा है। आखिर भारत देश की जनता राजनीतिक पार्टियों को झगड़ों को भुगतते तो क्यों? तो ये पक्ष पक्ष के बीच में निष्पक्ष संगठन खड़ा हो रहा है जो कि इन सारी चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा और देश को दिशा देने की कोशिश करेगा। अमित जी, इस मंच से ऐलान हुआ है ड्राइवरों की हड़ताल का, तो हड़ताल क्यों, आखिर क्यों आप लोगों ने हड़ताल कर दिया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें दो तीन चीज़ें इसमें है। एक तो हम जो ये बाइक टैक्सी चल रही है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसे प्रकरण को जिंदा कर सकती है जैसे निर्भया जैसा कांड हो सकता है। आप उनको देखिए कि कोई सुरक्षा नहीं है, वो पर्सनल गाड़ियाँ पर्सनल व्हीकल्स पे हैं, जहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैन कर रखा है और बैन के बाद भी वो ऐप बेस्ड कंपनियों के प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना हुई। ठीक है, दूसरी बात आते हैं कि आप ये देखिए जो ऐप बेस्ड कंपनियाँ हैं, कोई ऐसा कार्य आप मुझे बता दीजिए जो पिछले 2010 से एक रुपये इन्होंने बढ़ाया हो, बल्कि इन्होंने घटा घटा के 4 रुपये किलोमीटर हो गया। आज जहां सीएनजी 90 रुपये तक पहुंच गई है और 2010 में 46 रुपये थी, जहां 50 रुपये का डिफरेंस आ गया, वहां किराया बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप मुझे ये बता दीजिए कि कस्टमर से 400 रुपये लिए जाते हैं और ड्राइवर को 160 रुपये लिए जाते हैं, जबकि कस्टमर ये सोचता है कि वो पैसे सब ड्राइवर के हिस्से में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनको भी धोखा दिया जा रहा है। ड्राइवर को तो धोखा दिया ही जा रहा है क्योंकि सीएनजी उसकी है। आप लोग प्रोटेस्ट, मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को और आपके व्यूवर्स को और तमाम उन 4 करोड़ जो चालक हैं दिल्ली एनसीआर में, 4 लाख और 24 करोड़ चालक भारत में, हम 24 और 25 को चक्का जाम की जो हमारी एक मुहिम है उसको हम प्रमाण चढ़ाने वाले। और अगर सरकार जब भी नहीं मानेगी, क्योंकि हम 5 तारीख को पहले आपको भी इस बारे में पता है और सभी साथियों को पता है कि 5 तारीख को हम सरकार को लेटर द्वारा विज्ञापन द्वारा हम बता चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं आया। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए चक्का जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अपना परिचय दे सर। मैं बलदेव राज हूँ, स्वाभिमान पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ आप एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय गठबंधन मंच पर, तो इस मंच के जरिए जो संदेश आया है, उन संदेशों को क्या आप आकलन लेते हैं, क्या आज के राजनीति में इस राष्ट्रीय गठबंधन मंच की जरूरत है? हाँ, यहाँ जो 37 मिलन हुआ है और उनके मन की जो पीड़ा या बाढ़ आई है, तो वास्तव में इनसे अन्याय हो रहा है। तो अब वर्तमान में जो व्यवस्था है, क्योंकि राजनीति ने सारी व्यवस्थाओं को अपने अंकुश में ले लिया है, पंजे में ले लिया है, तो उस अपने वर्तमान जो परिस्थिति है इससे बाहर निकलने के लिए समाज को जागृत करना पड़ेगा। नंबर दो, हमारा मानना यह है कि इसमें जो व्यवस्था चल रही है वो पैसे से वोट, वोट से राजनीति, राजनीति से पैसा, ये व्यवस्था चल रही है। इसमें क्या हो रहा है कि मतलब जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो पूरी तरह से हमारे देश पर हावी हो चुका है राजनीतियों के माध्यम से। जब तक इन कॉरपोरेट सेक्टर से उस समाज को या राजनीति को बाहर नहीं किया गया, तब तक राहत नहीं मिलेगी। हमने कहा है कि समाज सत्ता सर्वोपरि रहेगी
राज सत्ता उसके नीचे काम करेगी। समाज सत्ता का मतलब जितने भी सामाजिक संगठन है, समाज है, वो समाज जो है वो निर्णय करेगा कि हमारे देश में कौन किस प्रकार की राजनीति होगी, कौन कहाँ से लड़ेगा और कौन हमारा राजा होगा, और ये सारी व्यवस्था जो है वो समाज सत्ता तय करेगी। वर्तमान में क्या हो रहा है कि राज सत्ता जो है, आज के प्रोग्राम का बताइए क्या निष्कर्ष आप लोगों ने निकाला है, क्या लगता है इससे ये मुहिम जो आप लोगों ने शुरू की है राष्ट्रीय गठबंधन मंच की, ये मुहिम सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल हो पाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक विचारधारा के लोग इकट्ठे हो जाएँ और हमारा वर्तमान में जो हमारा उद्देश्य है कि 2025 का जो चुनाव है दिल्ली का, उसमें उसको हम टारगेट कर रहे हैं और उस चुनाव में अच्छे लोगों को आगे भेजेंगे और ताकि जो प्रमाणिकता से वो आगे जाकर काम करें और उन पर अंकुश होगा समाज सत्ता का। क्या मैसेज है सुजीत जी आज के कार्यक्रम से? आज के कार्यक्रम से मैं अपने पूरे भारत देश के सभी साथी भाइयों से और आम आदमी से सभी से यही कहूँगा, जितने भी हमारे संगठन हैं, वो चाहे ड्राइवर संगठन हो या किसी भी तरह के हों, जो छोटी मोटी पार्टियाँ हैं, एक एग्जांपल है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल्वर पर निशान। जो कई कहावते हैं वो कभी जो कही गई हैं वो सही हैं, सत्य हैं, और ये जो कहावते हैं इन पर आधारित आजकल हमारी ज़िंदगी हो गई है। और मैं कहता हूँ कि आज अगर हम लोग एकत्रित होने की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रयास सफल होगा और हम इसमें कामयाबी जरूर पाएंगे। और मैं सारे समाज को, जो आज तक नेता नगरी में आते हुए लोग, जब बीजेपी 200 से 300 पार हो सकती है तो हम सारे संगठन एक क्यों नहीं हो सकते, ये हमारा संदेश पूरे समाज के लिए। राहत को उसकी भी बात आज आप लोगों ने की है, तो इस राहत को उसको किस तरह से मजबूत करने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? देखिए, राहत को जो है हम अपने चालक भाइयों के लिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से तो हमें कोई उम्मीदें मिल नहीं रही हैं। इस देश में 20 से 23 करोड़ चालक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की कोई योजना है नहीं, ना सरकार कोई योजना बना रही है, ना लगता है कि सरकार आगे कोई बनाएगी। तो इस राहत को उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे भाई राम नरेश निषाद जी और ये हमारा गठबंधन मंच के सभी कार्यकर्ता मिल के इस राहत को उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने चालक हित के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहे। सभी वर्ग के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सब ज़्यादातर जो है आप लोग ड्राइवर्स यूनियन और ड्राइवर्स यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो क्या सिर्फ ड्राइवर्स को इस मुहिम में आप रखेंगे जो राष्ट्रीय गठबंधन मंच आपका है, या आने वाले समय में अन्य राजनीतिक दलों से भी लोग आएंगे, उन लोगों के लिए भी आप लोगों का प्लेटफॉर्म खुला होगा? देखिए, ये सारा संगठन जो है ये जनता के लिए है, जनता से आए हुए प्रतिनिधियों के लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, सभी का स्वागत है। सभी मिलकर जनता के भलाई के लिए काम करेंगे। जो कहीं ना कहीं अभी मौजूदा सरकारें चूक रही हैं वो पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो मैं बहुत सराहना करता हूँ इस पहल की। और मैं तजिंदर सिंह जो संगठन चलाता हूँ, ट्रस्ट चलाता हूँ और कहीं ना कहीं मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हम सभी मिलकर आने वाले समय में जनता की भलाई के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे।